हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ यूट्यूब में आपका स्वागत है। और बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आपका नॉर्मल लाइसेंस स्कोर कितना था, क्या आपका स्कोर कार्ड था 2018 ग्रुप डी में, कितने मार्क्स आपके आए थे और कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो 2000 ग्रुप डी 18 में मेरे जो टोटल अटैम्प्ट थे वो थे आपके 92 अटैम्प्ट मैंने टोटल किए हुए थे, जिसमें मेरे जो सही हुए थे वो 84 हुए थे, 8 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे, और जो मैंने इग्नोर क्वेश्चन किए थे 8 क्वेश्चन मैंने इग्नोर किए थे। और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करता है कि आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका इसका बहुत फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, कि आपकी एक्यूरेसी भी चेक होती है नॉर्मलाइजेशन में। तो आप जो आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, उसको छोड़ दीजिए, उससे आपके नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ता है। अगर आप गलत करके आते हैं तो ज़्यादा गलत करके आता है आप क्वेश्चन, तो आप उसको, वो आपके नॉर्मलाइजेशन में उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे जो रॉ मार्क्स बन रहे थे वो 81.33 के आसपास मेरे रॉ मार्क्स थे, और जो नॉर्मलाइज हो गए 94 हो गए थे बाद में, 94 पॉइंट समथिंग था, मुझे इतना याद नहीं है। तो और फिर नीचे लिखा हुआ आया था कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर PAT, तो वहाँ पर लिखा आया था यस, तो PAT के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अभी तक मैं जितना समझ पाया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन रेलवे का जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी शिफ्ट में बैठते हो, आपकी शिफ्ट कैसी थी। मान ली एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं रेलवे के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 शिफ्ट होती हैं। तो पहला शिफ्ट बड़ा इजी आया, तो एक बच्चे ने पहले शिफ्ट में 80 मार दिए, बहुत इजी पेपर था, एक नॉर्मल बंदे ने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 80 मार्क्स उसके आ गए। और दूसरा जो पेपर था वो बड़ा हार्ड शिफ्ट का था, तो हार्ड शिफ्ट में इसमें बच्चे के बने आपके 65 के आसपास को उसके बन रहे हैं। और थर्ड शिफ्ट क्या था, मॉडरेट था, उसमें एक बच्चे के बन रहे हैं आपके 70 से 75 के बीच में। तो यार अब इससे तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, देखिए इसका इजी था तो फर्स्ट शिफ्ट वाले को इजी मिला तो उसने 80 मार दिए, सेकंड वाले को हार्ड मिला तो उसको, वो बस 65 कर पाया, और थर्ड शिफ्ट का मॉडरेट था तो वो 70 से 75 कर पाया। और तीनों में बच्चे एक जैसे ही बैठे हैं, एक ही IQ के बैठे हैं। तो अब इसको बराबर करने के लिए रेलवे क्या करता है कि जो ये 65 वाला है इसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क, और इसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क, इसके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स को बराबर कर देता है, यानी इसको भी इसी के आसपास पहुंचा देता है। तो बहुतों का मेरे साथ में, बहुत लोग ऐसे आए थे जिनके रॉ मार्क्स से 65, 60 से बढ़ के 85, बहुतों के तो 60 से बढ़ के, बहुतों के तो 82, यानी किसी किसी को तो 20, 25, 30, 35 नंबर तक का, बहुत से बच्चों को 35 नंबर तक का भी, बहुत से बच्चों को 30, 35 और 25 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। ऐसे बच्चे भी थे वहाँ जो आए हुए थे जिनको, जिनका बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। तो इसी बेसिस पर होता है कि आप कौन सी शिफ्ट पर बैठते हैं, कौन ये रेलवे का ये फंडा थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि बच्चा तो तैयारी हर हर कोई करता ही है, तो ऐसे उन्होंने एग्ज़ाम कराने चाहिए कि जो जिसमें नॉर्मलाइजेशन से किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत लोगों के मार्क्स भी कम हुए थे नॉर्मलाइजेशन में। अब एक बच्चा 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है, उसके नॉर्मलाइजेशन में कम होकर बेचारे के 75 रह जाते हैं, तो उसकी गलती नहीं है। तो हम रेलवे ने सभी से एक एक जैसा पेपर लेना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये तो था नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, इसका अपना एक फार्मूला है, वो फार्मूला बहुत ज़्यादा टिपिकल फार्मूला है, शायद ही किसी का समझ में आता है वो। तो रेल अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करता है, जितना मैं समझ पाया हूँ वो शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करता है आपका। और एक बात आप प्लीज़ ध्यान रखिए, आप रॉन्ग क्वेश्चंस को, रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा करने ना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट डालता है, क्योंकि जिन बच्चों के रॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम थे उन बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अमूमन बड़े हैं। तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दें, एक्यूरेसी का ध्यान दें आप अपने पेपर पे, पेपर वाइज। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।